नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट 24, आईना सच का। मैं आपके साथ एनी वर्मा। आइए रूबरू कर बातें हैं देश की कुछ खास खबरों से। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, स्कूल जा रही छात्रा को रोडवेज बस ने रौंदा, मौके पर हुई छात्रा की मौत। आपको बताते चले, यूपी के सीतापुर थाना सदर क्षेत्र में गौड़चा सदरपुर रोड परखोवल के पास रोडवेज बस ने छात्रा को टक्कर मारी। छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह छात्रा जूली, जो कक्षा 2 में पढ़ती थी, अपने घर से स्कूल अमर बापू शिक्षा निकेतन सदरपुर को पैदल जा रही थी। तभी रामपुर से सीतापुर के लिए आ रही रोडवेज बस रामपुर के अरखोवल के पास छात्रा को टक्कर मार दी। छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर बस को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है, सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लेकिन पुलिस घटनास्थल पर 1 घंटा देर से पहुंची तो ग्रामीणों में गुस्सा उफान ले गया। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का सपना है भारत देश को डिजिटल इंडिया बनाने का, वहीं प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने की कोशिश अन्य देशों की तरह भारत देश में भी प्रगतिशील देश बने, जिसको लेकर भीम ऐप को लॉन्च किया गया, जिसके जरिए दुकानदार, किसान, मजदूर व सभी बिना पैसे के एक दूसरे से लेन देन कर सके, जिससे कैशलेस ट्रांजेक्शन का प्रमोट किया जा सके। इस ऐप का जो बीड़ा उठाया गया है, वह प्रधानमंत्री का सपना साकार हो सके, जिसके चलते आज CSC कार्यकर्ताओं द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई, जहां पर कार्यकर्ता संचालक द्वारा हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली का शुभारंभ किया गया। वहीं लोगों को इस जागरूकता रैली के माध्यम से जागरूक किया गया। अगर आप मार्केट में जाते हो या कहीं भी जाते हो तो कैसे बिना पैसे के लेन देन कर सकते हैं, कैशलेस की दुनिया को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि आज लगभग हर व्यक्ति के पास मोबाइल फोन है, और उससे कैसे अपना प्रोफाइल क्रिएट करें, कैसे अपना बारकोड जोड़ें, इन सब बातों की जानकारी दी गई। एक दूसरे से एंड्रॉइड मोबाइल के जरिए कहीं भी किसी भी जगह लेन देन कर सकते हैं। इसके लिए भीम ऐप की जागरूकता फैलाई। हमारा उद्देश्य जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो उद्देश्य है कि कैशलेस ट्रांजेक्शन को कैसे प्रमोट किया जाए, उसके कई ऐप्स हैं जैसे पेटीएम वगैरह है जो प्राइवेटली वर्क करता है, लेकिन गवर्नमेंट का जो ऐप है भीम ऐप, उसका प्रमोशन कर रहे हैं हम लोग। भीम ऐप से हम लोगों का जो लक्ष्य है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है, लोगों को डिजिटली ट्रांजेक्शन के लिए प्रेरित करना है, उनको सिखाना है, उनको बताना है मर्चेंट्स को और कस्टमर को कैसे वो बिना पैसे के लेन देन कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, क्योंकि हर व्यक्ति के पास मोबाइल फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, वो मार्केट में जाते हैं तो कैशलेस कैसे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उसके लिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं भीम ऐप के थ्रू। भीम ऐप से कैसे ट्रांजेक्शन करें, QR कोड कैसे स्कैन करें, अपना प्रोफाइल कैसे क्रिएट करें, ये जागरूकता फैलाने के लिए ये रैली का आयोजन किया गया है। लोगों को, दुकानदारों को ऐड कर रहे हैं, मतलब कि वो लोग भीम डाउनलोड करें और कैशलेस ट्रांजेक्शन करें, बिना बैंक जाए लेन देन करें, इसलिए हम लोग कहते हैं एक भीम का प्रमोशन कर रहे हैं, और आज हम लोग इसके लिए एक फ्लैग मार्च कर रहे हैं और लोगों को जोड़ेंगे। इससे जनता को क्या फ़ायदा होगा? जनता को फ़ायदा होगा कि उसको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, बैंक की कतार में नहीं लगना पड़ेगा, वो घर बैठे ही अपने मोबाइल के जरिए, दुकान बैठे ही अपने मोबाइल के जरिए कैशलेस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं।